हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस करेंगे इन क्लास चैप्टर सब्जेक्ट बायोलॉजी अंडर चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने क्लियर करा था। आज हम थोड़ा सा इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो हेरिडिटी, अब हेरिडिटी को समझने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जेनेटिक्स के बारे में, जो प्रीवियस वीडियो थी। यानी कि क्या है जेनेटिक्स? एक प्रकार की, यानी कि ये ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसमें हेरिडिटी और उनके वेरिएशन को डील कराया जाता है। यानी कि जो जेनेटिक्स टर्म्स दी थी स्टूडेंट, तो जेनेटिक टर्म्स जो फर्स्ट यूज़ करा था विलियम वैटसन ने 1906 में करा था। तो जेनेटिक्स यानी कि एक प्रकार का जो ये जेनेटिक्स वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जेन से, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इन टू। तो जेनेटिक्स हमने बताया था आपको, यानी कि जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ कमिंग इन टू बींग, ठीक है। यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे आपके? चीजें मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या आपको प्रीवियस नॉलेज है? हम उसको ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो जेनेटिक्स इज द साइंस, जेनेटिक्स क्या है? द साइंस है ऑफ कमिंग इन टू विंग। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हेरिडिटी के बारे में समझेंगे। तो हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, तो हेरिडिटी के बारे में समझते हैं। तो हेरिडिटी यानी कि हेरिडिटी, वी नो दैट लाइक बैजर्स लाइक, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। तो इट मीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फंडामेंटल करेक्टर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, चाहे हम हो, ह्यूमैन है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब फंडामेंटल करेक्टर्स ऑब्टेन करते हैं अपने पेरेंट्स से। बट क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। तो आंसर टू द क्वेश्चन कैन बी गिवन साइंस ऑफ हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी जो है आपका एक लैटिन वर्ड है हेरिडेट्स, इसका होता है इनहेरिटेंस या हेरिशिप। तो हेरिडिटी द साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स विच गवर्न द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। या सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, किसकी? ऑफ कैरेक्टर्स की, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अंडरस्टैंड? तो ग्रेगर जॉन, फादर ऑफ जेनेटिक्स ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करे थे हेरिडिटी के बारे में, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। इसने ग्रेगर जॉन मेंडल, तो मेंडल ने प्रपोज करा सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस विच आर द बैकबोन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। यानी मेंडल ने प्रपोज सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हेरिडिटी, विच आर द बैकबोन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये आपको प्रीवियस नॉलेज है कि इनके जो बॉर्न हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, वहाँ पर एक प्लेसेस है हेंजेंडॉर्फ, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पुअर फैमिली से थे, इनका इंटरेस्ट नेचुरल साइंस में था। तो फ्रॉम 1851 टू 1853 ही स्टडीड मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना।
तो इन द स्प्रिंग ऑफ 1856 ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, पाइसम सैटिवम पर उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। तो पी प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पर अपने एक्सपेरिमेंट 1856 से स्टार्ट कर दिए थे। इन 1862 में मेंडल बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रूम नेचुरल साइंस सोसाइटी। 1862 में मेंडल बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रूम नेचुरल साइंस सोसाइटी। ऑन फरवरी 8, 1965 ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट लेक्चर ऑन पी एक्सपेरिमेंट्स एट ब्रूम नेचुरल सोसाइटी। तो हिज पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन बट पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी। सो इन दिस पेपर मेंडल प्रपोज हिज बेसिक जेनेटिक प्रिंसिपल दिए थे। अंडरस्टैंड, इन दिस पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस पेपर मेंडल प्रपोज हिज बेसिक जेनेटिक प्रिंसिपल। बट अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क वॉज नॉट एक्नोलॉज्ड, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, सक्सेस नहीं हो पाए। यानी कि जेनेटिक्स का जो बेस रखा वो देन किसकी है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा लॉ दिए उसमें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुए। अन्य जो साइंटिस्ट हुए इन द बिगनिंग ऑफ 20th century, थ्री बॉटनिस्ट जैसा ह्यूगो डी ब्रीज है, कार्ल कॉन्स है, और थर्ड थे आपके ईवी टी ईवी टी ईवी शकमा। तो ने रिडिस्कवर्ड करा मेंडल्स वर्क को, मेंडल ने तो अपना वर्क कर दिया, बेस तो रख दिया। तो मेंडल एंड फाउंड, और उनको क्या पाया, करेक्ट पाया। यानी अपनी लाइफ में उन्होंने अपना बेस बनाकर उनको चले गए थे, यानी कि नींव रख दी थी जेनेटिक्स की। जो वेटसन थे, तो वेटसन आल्सो कंफर्म मेंडल्स वर्क बाय हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, वो कंफर्म थे जो भी उन्होंने दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपके टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।